टीवी एक्ट्रेस रिधिमा पंडित इन दिनों काफी लाइमलाइट में बनी हुई हैं। जब से खबर सामने आई है कि एकता कपूर ने रिधिमा को नागिन 6 की नई नागिन के लिए चुन लिया है, रिधिमा पर सभी की नजरें आकर टिक चुकी हैं। हर कोई रिधिमा का नागिन रूप देखने का इंतजार कर रहा है और फैंस ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर कब उन्हें नई नागिन का रूप दिखेगा। तो अब रिधिमा के एक पोस्ट से न सिर्फ उनके नागिन 6 से जुड़ने की खबर कंफर्म होती नजर आई, बल्कि इस बात का भी इशारा मिला कि नागिन के नए रूप के दर्शन कब हो सकते हैं। सबसे पहले आप रिधिमा के इस पोस्ट को देखिए, जिस पर लिखा है, ऑन 31st December at 11:59 PM आई एम गोना टाई नींबू मिर्ची टू 2022 कैलेंडर फॉर बुरी नजर। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मतलब आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें इशारा क्या है, तो गौर करने वाली बात यह है कि रिधिमा ने अपने इस पोस्ट में साल 2022 को मेंशन किया है और इसी साल की शुरुआत में नागिन 6 आ रहा है। रिधिमा के लिए नागिन 6 उनके अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। रिधिमा ने बकायदा टाइम और इस साल की आखिरी डेट भी मेंशन की है और इसी के साथ जिस तरह से उन्होंने मिर्ची नींबू के साथ नजर उतारने की बात कही, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 2021 के आखिरी पल और 2022 की शुरुआत के शुभ मुहूर्त पर रिधिमा अपना नागिन लुक तो रिवील नहीं करने वाली है। नया साल उनके शो नागिन के लिए अच्छा जाए, इसी वजह से रिधिमा ने उस वक्त नजर उतारने की बात कही जब नए साल का आगमन होगा और नए साल के इसी शुभ मुहूर्त पर वो अपना नागिन रूप भी रिवील करेंगी। वैसे भी फिलहाल एकता शो के मेन लीड की तलाश में जुटी हैं और खबरें ये भी सामने आई है कि शाहिर शेख के ही शो में नजर आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। वहीं शो की शूटिंग भी दिसंबर के दूसरे वीक में शुरू होने की खबरें सामने आई है। ऐसे में हो सकता है कि बेशक अभी टीजर वीडियो दिसंबर के मिड तक सामने आ जाए, लेकिन नई नागिन का रूप सामने आए नए साल के मौके पर ही, जिसकी तरफ इशारा रिधिमा का ये लेटेस्ट पोस्ट भी कर रहा है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या वाकई रिधिमा नए साल पर नागिन से जुड़ा कुछ धमाकेदार करेंगी? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।